कहते हैं ना कि अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको खुद से ही करनी होती है। उसी तरह से अगर आप अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत और पहल आपको अपने आप यानी कि खुद से ही करनी होती है। तो अगर आप मन बना चुके हैं कि अब आपको अपने नए कारोबार की शुरुआत करनी है, अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना है, तो बिल्कुल ठीक वक्त है, क्योंकि हम जो हाजिर हो गए हैं शनिवार को सुबह 10 बजे अपना शो बिजनेस इनसाइड लेकर, ये शो तो बनाया ही सिर्फ आपके लिए गया है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के बिजनेस टिप्स मिलते हैं, और ये टिप्स आपको देती है वो शख्सियत जिनसे जब हम कोई सवाल करते हैं ना तो उसका जवाब वो उतनी देर में देते हैं जितनी देर में महज हम पलके झपकाते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं उनके ज्ञान के सागर की गहराई की, तो उस सागर में आप चाहे जितने गोते लगा सकते हैं, आपको आपके हर सवाल का एकदम परफेक्ट और पॉजिटिव आंसर ही मिलना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं द वन एंड ओनली आवर शो मेंटर, द ओशन ऑफ नॉलेज, एन ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ए ग्रेट पर्सनैलिटी, श्री सुनील कुमार गुप्ता जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। इसके साथ ही हमने तालियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई दे ही गई है। मैं आपको बता देती हूँ सर कि आज बहुत सारे स्टेट से हमारे साथ स्टूडेंट ट्रेनीज मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हॉस्पिटैलिटी की, ऑपरेशंस की, और कुछ बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पर। ये बहुत अच्छी बात है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियाँ हो जाए। तो सर आज का शो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है अपने नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि वहाँ पे रह के अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर उस स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो अपने अलग अलग सवाल आपसे करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशन टू यू, जो आपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए खास तौर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट द लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। किताब लिखना सही मायनों में बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली स्टेट को फोकस करना, कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब कुछ? देखिए, सबसे पहले मैं जो बच्चे आज हमारे आए हुए हैं सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे एक हमारी वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और ये वाले बच्चे बहुत मेहनती हैं, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, मेहनती भी हैं, तो ये बच्चे क्यों नहीं आगे आ पा रहे? क्योंकि मैंने देखा कहीं ना कहीं इन बच्चों में प्रोजेक्ट लिटरेसी की कमी है, या हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। मतलब ये क्रिएटिव हैं बच्चे, मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल चाहिए कि आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक यूनिट की तरह लेके चलना पड़ता है, और उसकी जो नॉलेज है उस नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए कि मैंने कोई प्रोजेक्ट कैसे लगाए। नॉर्थ ईस्ट के जो आठों स्टेट हैं हमारे, उन आठ स्टेट में अगर आप लगाना चाहते हैं या कंट्री में कहीं भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, तो ये पूरी बुक मैंने उसी पे फोकस की है, जिससे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, उनका पूरे नॉर्थ ईस्ट के आठों स्टेट आगे बढ़ें और हमारा देश आगे बढ़े। पूरी बुक का फोकस जो है वो यही है कि सबसे पहले मैंने बताया कि आठ स्टेट में क्या क्या खूबियां हैं, कौन कौन सी अच्छी इंडस्ट्री लग सकती है टूरिज्म के अलावा। इसके अलावा मैंने फोकस किया है कि अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो उसकी लाइसेंसिंग कैसे हो, उसकी फंडिंग कैसे हो, उसमें बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, ईज ऑफ डूइंग क्या है, और कौन कौन सी ऐसी स्टेट्यूटरी या लोकल बॉडीज हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिनकी मदद लेके वो अपने इंटरप्राइज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे और कुछ जानूं, कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं, छोटी सी झलक देखते हैं इस बुक लॉन्च की, और वहां पर कुछ तस्वीरें क्लिक करवाई हैं हमने, तो उन पर एक नजर डालते हैं, आइए देखते हैं। बयां कर ही रही हैं कि ये बुक लॉन्च बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी की हैं, आपने भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं इसमें, उन पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इतना सारा काम करते हैं सर, ऑफिस जाते हैं सुबह, फिर टाइम निकाल लेते हैं आप इन सब के लिए कि बुक भी लिखना, और बुक लिखना जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत डिफिकल्ट होता है सर। देखिए, मेरा पैशन है कि देश में एंटरप्रेन्योर डेवलप करना। मैं चाहता हूं कि देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, मुझे लगता है कि जब लोग व्यापार में आएंगे, क्योंकि कुछ लोग इंटरप्राइज शुरू करें, कुछ व्यापार शुरू करें, बाकी उसमें जॉब करें, तो सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे देश में देखें तो हमारे देश में जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, मतलब जो छोटा उद्योग है जिसमें सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग आते हैं, वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसी से पूरा देश चलता है। अगर हम देखें तो इन सब इन जो छोटे हमारे व्यापार हैं एमएसएमई सेक्टर, उसमें 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। और अगर हम बात करें बड़े मल्टीनेशनल, बड़े जो हमारे
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कुल 125,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो ये सेक्टर जब भी आगे बढ़ेगा, जबकि हमारा जो युवा है जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करे, उसके बाद कोई ट्रेनिंग ले, और जब वो ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेने के बाद अपना कुछ छोटा मोटा कोई व्यापार शुरू करे और अपने साथ करे, कुछ अपने साथ के लोग जो ट्रेनिंग है उनके साथ मिलके करे। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जैसे ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये यहीं पे ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के अपना कोई इंटरप्राइज शुरू करें जिसके अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे, अपने साथ के लोगों को टीम बना के साथ में लगाए, जिससे कि वो लोग व्यापार में आगे बढ़े और वो लोग भी देश के और अपने स्टेट, जहाँ भी स्टेट से आए, आठों स्टेट में से जिसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेट भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इसके अलावा कोई खास आइडिया था आपके दिमाग में कि आपको स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर बुक लिखनी है? कुछ मतलब आपको क्लिक किया जिसमें आपने सोचा कि हाँ अब मुझे बुक लिखनी चाहिए? देखिए, नॉर्थ ईस्ट बुक लिखने के पीछे तो वाक्य ये है कि एक और शो में मैं ऐसी एक्सपर्ट के रूप में था, तो उसमें मेरे साथ गेस्ट थे रॉबिन हिब्बू साहब, जो कि नॉर्थ ईस्ट के नोडल ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने जब वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर प्रोग्राम था, उसमें हमने बताया कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने बोला आप अपनी रिसर्च को एक बुक में कन्वर्ट करो। ये बात 2 अक्टूबर 2016 की है। अच्छा। तो तब से मैंने शुरू किया और मुझे लगभग 4-5 महीने लगे उस बुक को लिखने में, और अब ये बुक कम्प्लीट है और मार्केट में है। अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करती हूँ, जो बुक आपने लिखी है काफी इंटरेस्टिंग है, जितनी मैंने इसको पढ़ा है, बहुत सारे बिजनेस टिप्स हैं इसमें और कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और ये इसके भी आपने काफी सारे टिप्स दिए हुए हैं, तो उस बुक को अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो कैसा लगता है आपको? जब मैं देखता हूँ कि युवा मुझे बताते हैं कि मैंने आपकी बुक पढ़ के फलां व्यापार शुरू किया और मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैंने फलां चीज पढ़ के मैंने उस सेक्टर में जाके रिसर्च की और उसमें अपना व्यापार शुरू किया और गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा भी उठाया, तो मुझे निसंदेह खुशी होती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ ही बात इसकी भी कर ली जाए कि आपने बिग बिजनेस आइडिया शायद इसीलिए लॉन्च की, राइट? जी बिल्कुल, ये सीरीज है जिसमें कि हम सारी मैं बुक्स लिखता हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर कि अगर मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ, हर बार सरकार कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करती है हम सबके लिए ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, वहाँ के लोगों के एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया है सरकार ने अभी तक? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई जो आज सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जितने भी स्टेट हैं, डोनर मिनिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, वो एक मिनिस्ट्री है जो कि एक तरह से नोडल ऑफिस, नोडल मिनिस्ट्री है, जो कि हमारे आठों स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में समन्वय करके ये कोशिश करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीमें इंटरप्रेन्योर और बाकी सब लोगों तक, जो भी आम जन है वहाँ का, जो भी सिटीजन है वहाँ के, उन तक पहुँचे, जिससे कि सबका उत्थान हो और सब लोग आगे बढ़ पाए। तो ये मिनिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट की हमारी स्टेट्यूटरी बॉडी हैं वहाँ पे जो कि काम करती हैं। NEDFI क्या है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ थोड़े लोन्स प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये एक्चुअली एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, NBFC के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था, 2012 से ये चल रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के आठों स्टेट में आप चाहे अपना पहला यूनिट लगाए, वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना कोई पहला यूनिट लगाना चाहे, या कोई युवा ट्रेनिंग करके या बिगर ट्रेनिंग के अपना कोई इंटरप्राइज शुरू करना चाहे, जो कि हर तरह के लोन देता है आपको, इक्विपमेंट फाइनेंस के भी लोन देता है, टर्म लोन भी देता है, वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है। अच्छा। अब युवा के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग स्कीम है, तो वो बहुत सारी स्कीम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है लोन से जुड़े बहुत सारे सवाल भी होंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट ट्रेनीज यहाँ पर मौजूद हैं उन सवालों की भी बात करेंगे बिजनेस इनसाइड में। पर यहाँ पे सर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यदि हम नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल करें, उन जो जिनसे 98% हमारा बॉर्डर लगता है, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइट में। बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव ब्रेक के बाद हाजिर हूं। तो आज हमने अपने शो पर हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से उनकी बुक नॉर्थ ईस्ट द लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में काफी कुछ जाना, उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई। अभी वक्त हो गया है आप सबको ये दिखाने का कि किरण रिजिजू सर, जो कि MOS यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने इस बुक लॉन्च पर क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको। किताब का जो कवर में मैंने देखा वो बहुत कुछ दिखता है, और मुझे लगता है कि किताब सबको पढ़ना चाहिए, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और नॉर्थ ईस्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट से जो इंटरेस्ट रखता है, उन लोगों को ये किताब पढ़ना चाहिए। मैं भी, समय का अभाव है आजकल, फिर भी मैं भी कोशिश करूँगा
फटाफट समय निकल के कुछ पढ़े, कुछ पन्ने हम भी पढ़ सके, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने समय निकल करके इतना बहुत ही सटीक टाइटल आपने जो दिया है और बहुत अच्छा क्वालिटी जो निकला है, लाभदायक होगा, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो भाई किरण सर ने तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रोग्रेस मिल सकता है, आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो मेरी बुक का टाइटल ही है जी, कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जरूर है कि आज की डेट में अगर ईज ऑफ डूइंग में हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सबसे पीछे हैं। तो 29 में सबसे पीछे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो उन स्टेट को भी कुछ काम करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत काम कर ही रही है जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे आठों, ये आगे आए और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। ये लोग सिर्फ इसलिए ना रहे कि भाई हमें कहीं से नौकरी मिले या कुछ और मिले जिससे कि हमारा सब कुछ चले। जब तक ये खुद व्यापार नहीं करेंगे, जब तक ये खुद एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आएंगे, जब तक ये स्टेट डेवलप नहीं होंगे। जिस तरह से इस बुक का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्थ ईस्ट द लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ, हालांकि मैंने इस बुक को अभी नहीं पढ़ा है, मैं आपसे जरूर लेकर जाऊंगी इसे पढ़ने के लिए, क्या इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसी सरजमी है जहां पर अपॉर्चुनिटीज की भरमार है और कोई कमी नहीं है और वहां पर कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट का 96% से ज्यादा बॉर्डर फॉरेन कंट्रीज में लगता है जी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यदि हम नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल करें, उन जो जिनसे 96% हमारा बॉर्डर लगता है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा भी वहां पे एग्रीकल्चर में टी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुई होती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ऑयल एंड गैस में। अच्छा। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको हम डिटेल में बता सकते हैं कि उन सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो स्टूडेंट्स तैयार है अपने सवालों के साथ, उनके सवाल जान लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे बच्चे हैं, तो कौन सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे जी, बताइए। सर, मेरा सवाल यही है कि मैं नागालैंड में बिजनेस करना चाहता हूँ और बिजनेस करने के लिए मुझे लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट की नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए इसे कोई स्पेशल स्कीम है? बहुत खुशी की बात है कि आप नागालैंड से हैं और वहाँ पे अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी स्कीम है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपका जो व्यापार है, जो इंटरप्राइज आप लगाना चाहते हैं, वो कितना लोन की रिक्वायरमेंट है उसमें, तो उसी के हिसाब से तय होगा। एक बहुत अच्छी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में 25 लाख तक का लोन मिलता है और उसमें आपका मार्जिन मनी कुल 5% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें यदि आप ये देखना पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्र में या किस क्षेत्र में, उसमें 35% तक की सब्सिडी भी है। मतलब कि यदि 100 रुपये हैं तो उसमें 35% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है जो कि आपको वापस नहीं करना पड़ता। तो आपको व्यापार करने के लिए वो पैसा भी मिलता है सब्सिडी का और मार्जिन बहुत कम है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। या आप जो हमारा जो अभी हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसकी स्कीम भी है जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम। उस स्कीम का फायदा उठा के भी आप वहां पर यूनिट लगा सकते हैं, उसमें आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी और लोन भी मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, और ये सवाल आपने किया ये जानकर भी हमें बड़ी खुशी हुई। इसके साथ ही अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, एक और स्टूडेंट तैयार है अपना सवाल लेकर, अभी कौन पूछना चाहते हैं हमसे सवाल? और मेरा सवाल है कि मणिपुर में मेरा फैमिली का एक बिजनेस होटल है और उसका एक्सपेंशन के लिए मुझे मिल चाहता लोन चाहता हूँ, क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है? बिल्कुल है, क्योंकि आपका परिवार पहले से व्यापार कर रहा है और वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की अलग स्कीम है जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन की है। उसमें यदि 5 साल से ज़्यादा हो गया आपको व्यापार करते हुए आपके परिवार को और 3 साल से आप प्रॉफिट में हैं, तो उस केस में आपको चाहे टर्म लोन चाहिए हो उसके लिए भी मिलता है लोन, यदि आपको इक्विपमेंट नया लेना चाहते हैं कोई पुराने को रिप्लेस करके उसके लिए भी लोन मिलता है आपको और बड़ी अच्छी टर्म्स में मिलता है। उसमें देखना पड़ेगा स्कीम कौन सी है, तो उसमें लगभग आपका जो मार्जिन होगा वो 25% से लेकर 30% तक होगा और बाकी आपको फाइनेंस मिलेगा, उसका फायदा उठा के आप अपना व्यापार का एक्सपेंशन कर सकते हैं। साथ ही एक और स्टूडेंट भी हैं जो अपना सवाल लेकर बिल्कुल तैयार हैं, अभी कौन पूछना चाहते हैं सवाल इस तरफ से हैं, बताइए। मेरा सवाल है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है अरुणाचल प्रदेश में और उसी के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसी के लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की कई स्कीम है। उसमें यदि आपको खाली वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आपको बाकी पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप रेस्टोरेंट की लैंड बिल्डिंग ले सकें, उसमें इक्विपमेंट डाल सकें और बाकी रॉ मटेरियल उसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल आपको मिल सकती है। उसके लिए भी एक स्कीम है जिसे हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं।
वो भी जो स्कीम है वो इसी जो हमारी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है नॉर्थ ईस्ट की उसी की है। इसके अलावा एक वुमेन डेवलपमेंट, एक उसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की स्कीम भी है इसी कॉरपोरेशन की, उसका भी लाभ उठा के आप पूरा लोन लेके अपना रेस्टोरेंट अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट है जो अपना सवाल अभी पूछना चाहते हैं, कहां से और जी ये रहे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, तो लोन के लिए कहां अप्लाई करूं? जैसे कि आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में क्या क्वांटम है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है और उसमें लोन का क्वांटम कितना है, कितना आपके पास मार्जिन मनी है। तो उसके हिसाब से या तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं अगर 25 लाख तक का है, और उससे ज़्यादा का है तो आप जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसकी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिफरेंट स्कीम है, आपको उसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं जिसकी वेबसाइट का है NEDFI.com, उसमें जाके आप देख सकते हैं आप कौन सी स्कीम में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से भी आप लोन ले सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और अभी बातों बातों में एक और ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और भी इंटरेस्टिंग आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए बिजनेस इनसाइट के साथ। मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, खासतौर पर युवा को, कि वो आगे बढ़ें, उनकी जो लिटरेसी है और क्रिएटिविटी है और मेहनत करने का जज्बा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करें। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइट में। ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इनसाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन पर, जिस पर सर ने अभी अभी हाल फिलहाल एक बुक लॉन्च भी की है, उसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं, एमओएस सर ने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया है, और उसमें क्या खास रहा ये भी आपको सर ने बताया। लेकिन अभी हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि खुद सर ने यानी कि श्री सुनील कुमार गुप्ता जी ने इस बुक लॉन्च पर क्या अनाउंसमेंट की है, आइए देखते हैं। साथ में एक अनाउंसमेंट और करना चाहूँगा मैं कि हेल्पिंग हैंड और रॉबिन हिब्बू साहब से मैंने जितना संपर्क किया, जितनी बार मिला उतनी बार नॉर्थ ईस्ट के लिए मेरे दिल में जगह बढ़ती चली गई। बल्कि मुझे अब ये लगता है कि मेरा एक ही एम है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आगे लाना। अब मेरे बुक से जो भी बुक सेल होगी उससे मेरे को जो भी रॉयल्टी मिलेगी वो मैं डोनेट करूँगा हेल्पिंग हैंड को, नॉर्थ ईस्ट के उन बच्चों के लिए जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ लिख नहीं पाते, उन सब बच्चों को अडॉप्ट करेंगे हम इस रॉयल्टी के अमाउंट से। जो भी रॉयल्टी आएगी हेल्पिंग हैंड के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के गरीब या उन पेरेंट्स को जिनकी इनकम 6 लाख से कम होगी पेरेंटल इनकम, उनको स्टडी के लिए मैं डोनेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने कितनी खास अनाउंसमेंट की है श्री सुनील कुमार गुप्ता जी ने अपने इस बुक लॉन्च पर। वैसे एक अनाउंसमेंट तो सर हमने सुन ली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ राज तो और छुपा है ना इसके पीछे, तो और क्या खास है इस बुक लॉन्च के पीछे? इस बुक लॉन्च में हमने कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट के सारे लोगों को कुछ ऐसे और भी हम दें जिससे कि वो पढ़ने में आगे आए। तो इसी प्रकार से जैसे बुक की रॉयल्टी मैंने बोला कि सब बच्चों को जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ना चाहेंगे जिनके की पेरेंटल इनकम 6 लाख से कम होगी उनको वो डोनेट की जाएगी जिससे वो पढ़ें। और उसके लिए हमने हेल्पिंग हैंड जो एनजीओ है नॉर्थ ईस्ट की उसको नोडल एजेंसी बनाया है बच्चे सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा। बच्चे उसी को अप्लाई करेंगे और उन बच्चों को दी जाएगी। इसके साथ ही हमने बोला है कि जो बच्चे कॉमर्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें भी हमने उनको स्कॉलरशिप अनाउंस की है अपने कॉलेज में कि भाई जब वो बच्चे लड़की बच्चियों का कॉलेज है वो वुमेन एम्पावरमेंट में कि जब वो आएंगे वहाँ पे तो उनको मिलेगी। साथ में जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहेगा नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, उनके लिए भी हमने बोला है कि उनको भी जब वो करने आएंगे तो उनको भी सुविधा दी जाएंगी, स्टाइपेंड ज़्यादा दिया जाएगा जिससे कि वो यहाँ रह के अच्छी तरीके से पूरा प्रोफेशनल कोर्स अपना पूरा कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है दिस डिजर्व्स अ क्लैप कि सर आपने इतनी अच्छी सोच रखी है सब बच्चों के लिए। थैंक यू। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ये इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर सिटीजन को हमें पूरे की क्योंकि हमें पूरे देश को एक साथ लेके चलना है तो हर सिटीजन को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो कर सकता है वो करे जिससे पूरा देश एकजुट होके आगे बढ़ पाए। बिल्कुल सही, और तभी हमारे देश का विकास भी हो पाएगा।
तो बहुत अच्छी सोच रखी है यहाँ पर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी ने। अच्छा, एक जो मुझे खास लगा इस बुक लॉन्च में वो ये कि 600 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे जब ये बुक लॉन्च हो रहा था। एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, जब भी हम बुक लॉन्चेस की बात करते हैं वहां पर इतने सारे लोग या स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। ये आपने कैसे पॉसिबल मतलब हो पाया आपके यहाँ? देखिए, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इसका क्रेडिट जाता है हेल्पिंग हैंड को, जो एनजीओ है नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। उन लोगों ने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाएं और इसका फायदा उठा पाएं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने स्टूडेंट से जो और सवाल लेकर तैयार है यहाँ से। सर, मेरा सवाल ये है कि मिजोरम में मैं होटल इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे 1 करोड़ के लोन की जरूरत है, मुझे ये लोन कहाँ से मिलेगा? ये लोन के लिए एक तो जो मैंने बताया अभी आपको नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो भी लोन देती है 1 करोड़ तक का। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि आपका एमएसएमई सेक्टर में आता है तो उसमें 2 करोड़ तक का लोन बिगर किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के मिलता है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 करोड़ तक का लोन आपको बिगर किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के वहाँ मिल सकता है। एक और स्टूडेंट है जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं, सर उनका सवाल भी जान लेते हैं यहाँ से। मेरा क्वेश्चन है, क्या नॉर्थ ईस्ट वुमेन के लिए एक फंडिंग स्कीम है क्या? जैसा मैं अभी बता रहा था कि NER के लिए जो हमारा ये कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन एक वुमेन डेवलपमेंट स्कीम है, इनकी वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम, उसके तहत ही लोन मिलता है। और वुमेन की वैसे भी बहुत सारी स्कीम है, हमारी MSME मिनिस्ट्री की भी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में भी नॉर्थ ईस्ट को भी बेनिफिट मिलता है और वुमेन एंटरप्रेन्योर को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उसमें भी आप फायदा उठा सकती हैं, तो उन दोनों स्कीम का फायदा उठा के आपको लोन मिलेगा। एक और स्टूडेंट अपना सवाल लेकर बिल्कुल तैयार है पूछने के लिए, इस वक्त यहाँ से पूछेंगे, बताइए। मेरे असम में हैंडलूम का बिजनेस है, क्या मुझे लोन मिल सकता है? बिल्कुल है, आपको जो जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसमें जाके आप पूरी स्कीम समझ सकते हैं और पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। जहां तक लोन की बात है तो लोन के लिए अभी हमने बताई कई स्कीम, उन सब में मिलके जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी आप जा सकते हैं, और हैंडलूम के लिए एक विशेष योजना जो हमारी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसकी भी है, खास तौर पे वो हैंडलूम वालों को लोन देती है, और एमएसएमई मिनिस्ट्री भी है, सब में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे। चलिए, सवाल तो मैं बहुत सारे करना चाह रही थी लेकिन अभी वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, बट चलते चलते मैं ये जरूर पूछ लेती हूँ आपसे कि नॉर्थ ईस्ट पे तो आप बुक ले आए हैं, अभी आगे चल के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो किस चीज पे बुक लॉन्च होने वाली है आपकी? मेरी 2 बुक और आने वाली है, जिसमें की एक हमारी कोशिश है कि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे रहे हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, 1001 क्वेश्चन, कि जो भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, उन सबके क्वेश्चन भी और आंसर उसमें दिए हुए हैं। और एक स्टार्टअप के ऊपर हम एक किताब लेके आ रहे हैं जिसमें स्टार्टअप में क्या क्या परेशानी आती हैं, उसको कैसे ओवरकम करके अपने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाएं, उसके लिए भी एक बुक आ रही है। चलिए, तो क्वेश्चनेयर जो हमारे दिमाग में चलता है ना सबके, उसके जवाब हमको उस बुक में मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत खुशी हुई है जानकर कि फ्यूचर में आपके इस तरह के अच्छे प्लान्स भी हैं। अभी जाते जाते आज का हमारे लिए सिग्नेचर कमेंट क्या है? मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आह्वान करना चाहूँगा, खासतौर पर युवा को, कि वो आगे बढ़ें, उनकी जो लिटरेसी है और क्रिएटिविटी है और मेहनत करने का जज्बा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करें और अपना व्यापार करके अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी सोच है और यहाँ पे आपका शुक्रिया भी करना चाहूँगी, इतना कीमती वक्त आप निकाल कर आते हैं और हमेशा हमसे बातचीत करते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें आपसे ग्रैब करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच सर, जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी बच्चे यानी स्टूडेंट ट्रेनीज यहाँ पर मौजूद रहे, अपने अपने सवाल उन्होंने किए, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सर ने जितने भी जवाब दिए हैं पूरी तरह से सैटिस्फाई होंगे और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। वैसे यहाँ पर आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए बिजनेस इनसाइड में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये शो आपका अपना शो है, इसमें आपके सारे सवालों का हम हमेशा वेलकम करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं ईमेल या फिर SMS के जरिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको ये भी बता देते हैं कि जो लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटीज यानी नॉर्थ ईस्ट पर सर ने बुक लिखी है उसका भी आप पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं, इसको पढ़िए और जानिए कि कैसे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहकर भी। फिलहाल दीजिए इजाजत, एक बार फिर से एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।